हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईटीआई क्लासेस। और आज की ये वीडियो बहुत ही ज्यादा खास होने वाली है आपके लिए। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी महामैराथन। क्या कर रहे हैं हम? आज हम स्टार्ट कर रहे हैं महामैराथन, जिसके अंदर हम सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो आपके टॉप 500 एमसीक्यू होने वाले हैं ऑफ आईटीआई ट्रेड थ्योरी कोपा, जिसमें आप 2022 और उसके बाद के लिए हम आपकी प्रिपरेशन कराएंगे, जिसमें हमारा टारगेट है एक्चुअल में 100% है ना, बट हम लिख नहीं सकते उस चीज को ऐसे 100% क्योंकि ये बहुत टॉल क्लेम हो जाता है। बट हम जो है 100% के लिए टारगेट करने वाले हैं इसमें। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है कि अगर आपने ये सारी सीरीज जो भी आने वाली है, सारे पार्ट्स आपने अगर ढंग से देख लिए, तो आप बहुत ही प्यारे नंबर्स के साथ में पास होने वाले हो एग्जाम में। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा स्टार्ट करते हैं। ये आज की वीडियो आपका सबसे पहला पार्ट है ऑफ टॉप 500 एमसीक्यू सीरीज का। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले क्वेश्चन से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे कि कंप्यूटर एक ब्लैंक डिवाइस है। कंप्यूटर एक क्या है, किस तरह की डिवाइस है? तो मैंने, अगर आपको याद है, सबसे पहले चैप्टर में हमने पढ़ा था कंप्यूटर की जो डेफिनेशन थी, कंप्यूटर की जो परिभाषा थी वो क्या थी कि कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ठीक है, यहीं से इसका आंसर मिल जाएगा हमें। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म अ वैरायटी ऑफ ऑपरेशंस इन अकॉर्डेंस विद द गिवन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कॉल्ड प्रोग्राम। ये थी हमारी कंप्यूटर की परिभाषा। बट इसकी स्टार्टिंग वाली लाइन में मैं क्या कह रहा हूँ, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। और आपका इलेक्ट्रॉनिक ऑप्शन है यहाँ पे सी, इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका सी हो जाएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि कंप्यूटर का प्रयोग डैश में होता है। कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ होता है? मूवीज में होता है, होता है। कंप्यूटर का प्रयोग एनिमेशन फिल्म्स में होता है, बिल्कुल होता है। कंप्यूटर का न्यूज़पेपर और टीवी में होता है, बिल्कुल होता है। आप जब टीवी में ब्रॉडकास्टिंग करते हो तो वहां पे कंप्यूटर ही तो यूज करते हैं। न्यूज़पेपर में जो आर्टिकल्स लिखते हैं वो कंप्यूटर के माध्यम से ही तो लिखे जाते हैं। तो इसका आंसर होगा, यहाँ पे इन्होंने जो एक ऑप्शन दे दिया है, ये मैं चाहता तो हटा देता कि इनमें से कोई नहीं, और इसे जो है उन्होंने सही भी लिख रखा है कुछ बुक्स में, है ना, कुछ मॉडल पेपर्स में, बट ये यहाँ पे मिसप्रिंट है क्वेश्चन। तो इस तरह की चीजें आ सकती हैं, इसलिए मैंने इसे चेंज नहीं किया। तो इसको यहाँ पे ये नहीं होगा कि इनमें से कोई नहीं, यहाँ पे आएगा अबव ऑल, यानी कि उपरोक्त में सभी, यानी कि जो ऊपर दिए ऑप्शन है वो सारे के सारे सही है। तो इसका मतलब क्या होगा आपका, उपरोक्त सभी, ऊपर दिए हुए सारे ऑप्शन सही है। उसके बाद उसका आंसर क्या लिखोगे आप, डी लिखोगे। और इस तरह की अगर आपको कोई समस्या आपके एग्जाम में आती है तो आप अपने तुरंत इंस्ट्रक्टर के पास जाओ, उन्हें बताओ कि इसमें जो है ये चीज गलत है या फिर यहाँ पे मुझे डाउट है, तो वो आपको इस चीज को सही करा देंगे। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन है आपका, कीबोर्ड एक डैश डिवाइस है। कीबोर्ड एक किस तरह की डिवाइस है? सबसे पहले हम बना लेते हैं यहाँ पे कंप्यूटर, क्योंकि मैं चाहता हूँ कंसेप्ट हमेशा आपको आपके स्ट्रॉन्ग रहे। अगर आपके फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग है ना, तो क्वेश्चन को चाहे वो घुमा के दे दे, जो आ भी सकता है। ऐसा नहीं है कि आपको जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बिल्कुल एग्जैक्ट एज इट इज मिलेंगे, ज्यादातर आपको ऐसे ही मिलेंगे, बट कभी कभी घुमा के आ जाएगा। तो उस चीज पे आपका अगर फंडामेंटल ठीक होगा तो आप उसे आराम से कर लोगे। ठीक है, तो कंप्यूटर में जो कीबोर्ड होता है वो किस तरह की डिवाइस होती है? तो जैसे आपका ये कंप्यूटर है, इसमें यहाँ पे हमने जो है कीबोर्ड लगा दिया, हमने यहाँ पे कीबोर्ड लगा दिया। अब क्या करते हो आप कीबोर्ड से? आप कीबोर्ड से कंप्यूटर को जो चीज देते हो उसे हम कहते हैं इनपुट। ठीक है, कंप्यूटर में तीन ही तो चीजें होती थी, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू। तो जो चीज, जो डिवाइस कंप्यूटर में डेटा और इंस्ट्रक्शन या प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर भेजती है, वो आपके इनपुट डिवाइसेस हो जाती है, और जो कंप्यूटर के बाहर लेके आती है वो आपकी आउटपुट डिवाइसेस हो जाती हैं। सिंपल। तो कीबोर्ड से क्या करते हो आप, डेटा को कंप्यूटर के अंदर भेजते हो, तो आपका कीबोर्ड क्या हो जाएगा, एक इनपुट डिवाइस हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपका ए। आगे ये कह रहा है माउस एक डिवाइस है होगा ये, है ना। तो माउस कैसी डिवाइस है? एक माउस कैसा होता है आपका, जब कंप्यूटर पर आप दिखते हो, आपको अभी भी ये दिख रहा है, ये आपका ऐसा सा ही तो होता है माउस। बेसिकली इस चीज को आप क्या कहते हो, पॉइंटर कहते हो कंप्यूटर में। इस चीज को क्या कहते हो, पॉइंटर कहते हो। तो ये बेसिकली क्या करता है, इसका यहाँ पे ना पॉइंट है। ये कंप्यूटर में जो भी आइकन्स होते हैं, जो भी आपके
फाइल होती है, इमेजेस होते हैं, उनकी तरफ को क्या करता है, पॉइंट करता है कि ये चीज यहाँ पे है, यहाँ पे है, ऐसे करके। तो इसलिए माउस जो है कंप्यूटर में एक पॉइंटिंग डिवाइस होती है, क्योंकि ये फाइल्स की तरफ को या आइकन्स की तरफ को पॉइंट करता है। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, पॉइंटर। तो माउस क्या हो गया, एक पॉइंटिंग डिवाइस हो गई। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, आपको याद भी रहेगा, है ना। मैं इस तरीके से कोशिश करूंगा आपको बताने की कि आपको याद रहे। ठीक है, उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, एटीएम का पूरा नाम क्या है, ये तो ज्यादातर बच्चों को पता होगा, ऑटोमेटेड टेलर मशीन होता है। एटीएम की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, इन चीजों को ध्यान रखना, इन्होंने बहुत मिलते जुलते ऑप्शन दे रखे हैं, तो इस चीज को आपको खास कर ध्यान रखना है कि टेल है या टेलर है, ऑटोमेटिक है या ऑटोमेटेड है। ठीक है, तो इसको आपको याद कर लेना है यहीं पे। फिफ्थ का आपका आंसर हो गया है सी, जो है आपका ऑटोमेटेड टेलर मशीन। कंफ्यूज नहीं होना है, कभी आपको ऐसा ऑप्शन दे देगी ऑटोमेटिक टेलर मशीन और आपने उसे टिक कर दिया, गलत हो जाएगा। ऑटोमेटेड है और टेलर है और फिर मशीन है। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है ऑटोमेटेड टेलिंग मशीन कह दे वो, तो बहुत थोड़ा सा डिफरेंस वो आपको दे सकता है, बट उस चीज को आपको ध्यान रखना है बिल्कुल। आपको यू हैव टू बी डैम श्योर कि आप जो है जिस चीज पे टिक लगा रहे हो वो सही है। तो एटीएम का जो पूरा नाम होता है वो आपका होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। इसके बाद वीडीयू का पूरा नाम क्या है, वीडीयू की फुल फॉर्म पूछ ली, वीडीयू की फुल फॉर्म होती है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। और वो ऑप्शन कहाँ पे है आपका, विजुअल डिस्प्ले यूनिट सबसे पहला आपका ए ऑप्शन जो होगा वो इसका सिक्स का आंसर हो जाएगा। ये फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म हमेशा हमें जनरली याद ही करनी होती है, इनके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता जो मैं आपको याद करा सकूं। तो ये आपको आएंगे प्रैक्टिस से। ठीक है, एक पेपर लो, एक पेन लो, उसमें इधर की तरफ सारी की सारी फुल फॉर्म के जो ये शॉर्ट नाम है, शॉर्ट फॉर्म है, उनमें लिख लो, और फिर फुल फॉर्म जो है उनकी खुद लिखो। तो आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका ये हो जाएगा। सीपीयू का पूरा नाम सबसे आम क्वेश्चन है और अक्सर पूछा जाता है, जिन क्वेश्चंस के आगे मैंने ये लिखा हुआ है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क क्वेश्चन FAQ, इसका मतलब ये है कि ये पुराने पेपर में पूछे गए हैं क्वेश्चन आपके, जो पुराने आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं, मैंने उनमें से इन क्वेश्चंस को निकाला है जो अक्सर करके पूछे जा रहे हैं, हर दूसरे या तीसरे साल में इस क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन के आगे FAQ लिखना है, उन पे खास ध्यान देना है आपको। ठीक है, तो आपका सीपीयू का पूरा नाम क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, सभी को पता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है आपकी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा बी। उसके बाद आपके पास आता है एट्थ क्वेश्चन, 8088। इसको 8088 नहीं बोलते, इसको बोलते हैं 8088, 8088 माइक्रो प्रोसेसर था। तो ये पूछ रहा है कि जो आपका 8088 माइक्रो प्रोसेसर था जो इंटेल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, जब आप थ्योरी पढ़ोगे तो इसके बारे में आप डिटेल में पढ़ोगे, हालांकि इतना डिटेल में आपके सिलेबस में दिया हुआ भी नहीं है ये। तो इंटेल ने जो है 8088 प्रोसेसर को बनाया था, तो उसका जो साइज था ना, उसका जो मेमोरी साइज था वो पूछ रहा है वो कितना था। तो बहुत सारी बुक्स में आपको जो है ए आंसर दिया हुआ है, बहुत सारी बुक्स में, मुझे नहीं समझ में आता क्यों, बट जितना मैं जानता हूं, जितना मैंने पढ़ा है, 16 बिट इज द रोंग आंसर। ध्यान रखना है 16 बिट दिया हुआ है ज्यादातर जगह पे, बट 16 बिट मेरी नॉलेज के हिसाब से आंसर गलत है, इसका आंसर होगा 8 बिट। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी, सी ऑप्शन जो है आपका सही आंसर है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बताता हूँ। इंटेल ही एक ऐसी बड़ी कंपनी है जो माइक्रो प्रोसेसर्स बनाती है, और 90s के दशक में, 1970s के दशक में इंटेल ने दो प्रोसेसर बनाए, एक था 8086 जो बेसिकली 16 बिट मेमोरी के उस पर कार्य करता था, है ना। उसके बाद इसका एक एडवांस वर्जन बनाया गया, इसका नेक्स्ट वर्जन बनाया गया, वेरिएंट इसे कहते हैं, वो था 8088, जिसको वापस घटा के जो है 8 बिट पे कार्य कराने के लिए बनाया गया था। तो इसलिए पता नहीं क्यों उन्होंने आपकी बुक में गलत दिया हुआ है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 8086 की अगर वो बात कर रहा है तो वो 16 बिट पे था, बट अगर 8088 की वो बात कर रहा है तो वो 8 बिट पे आएगा। हालांकि ऐसा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, बट मैंने देखा है कि कहीं ना एक दो क्वेश्चन पूरे एग्जाम में, ताकि आप फुल 100% मार्क्स सिक्योर ना कर सको, तो हमेशा एक दो क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए जाते हैं कि आपको जिनका पता ही ना, ऐसे मतलब ऐसा आएगा कि सिलेबस से बाहर आ गया ये तो क्वेश्चन, ये तो था ही नहीं, ये तो हमने कहीं पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो वो होता है, उसे उस पेपर को जब बनाया जाता है तो इसी तरीके से सेट किया जाता है कि बच्चे फुल मार्क्स ना कर पाए, वही लोग कर पाए जिनके फंडामेंटल्स बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन वो होते हैं ये वाले, और बुक्स वालों का मुझे समझ नहीं आता कि वो गलतियां क्यों करते हैं,
ठीक है, तो आपको इसका ध्यान रखना है, 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो था, 8088 माइक्रो प्रोसेसर जो था वो 8 बिट का काम करता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 9th, पेंट में गोन रंग के चयन के लिए किस माउस क्लिक का प्रयोग में लाया जाता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं गोन रंग क्या होता है। जब आप पेंट इस्तेमाल करते हो ना, उसमें दो रंग मिलते हैं आपको, एक होता है कलर वन जिसको हम कहते हैं प्राइमरी कलर, जिसको हम क्या कहते हैं प्राइमरी कलर, और दूसरा होता है आपका कलर 2 जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर। और गोन रंग का मतलब जो होता है वो सेकेंडरी कलर होता है। कि आप भी कह रहे होंगे यार सर आप कैसे बताते हो, हिंदी में पहले लिखा हुआ आप मतलब बता रहे हो इंग्लिश में। तो क्योंकि मैं मानता हूँ सेकेंडरी समझना आसान है, गोन इज टिपिकल हिंदी जो शायद मुश्किल होती हो, एटलीस्ट मेरे लिए है, मैं ऑनेस्ट बोली बोल रहा हूँ। तो सेकेंडरी कलर को हम कहते हैं गोन रंग। अब इसमें मैं आपको दिखा देता हूं करके ताकि आपको ध्यान रहे, रादर देन मैं इसमें आपको रट्टा लगवाऊं। मैं रट्टा सिर्फ फुल फॉर्म्स में आपको लगवाऊंगा, बाकी चीजों में मैं आपको याद कराने की कोशिश करूंगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेंट खोल लिया है, मैं इस पेंट को थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ ताकि ये इसमें आपको दिखाई दे। यहाँ पे और इसको ही ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये मैंने खोल लिया है अपने कंप्यूटर में पेंट, अपनी स्क्रीन में मैंने खोल लिया है पेंट। अब आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कलर ये है कलर 1 जो हम जिसे हम कहते हैं प्राइमरी कलर, ठीक है, और ये आपका दूसरा है कलर 2, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी कलर यानी कि गोन रंग जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। उसके बाद इस सेकेंडरी कलर को मैं सेट कर देता हूँ येलो पे, और प्राइमरी कलर आपका सेट है ब्लैक पे। अब वापस आते हैं क्वेश्चन पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जब आप गोन रंग को सेलेक्ट कर लेते हो तो माउस का कौन सा क्लिक करके आपको उसे जो है चलाना है पॉइंटर को, कि वो जो कलर है वो काम करे, वो दिखाई दे। तो अब मैं आपको समझाता हूँ क्या ये कहना चाह रहा है। देखो अब मैं जो है अपने माउस पे आ गया हूँ और मैंने जो है यहाँ पे पेंसिल सेलेक्ट कर ली। अब जब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं, जब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं तो प्राइमरी कलर चलेगा, प्राइमरी कलर चलेगा यानी कि ब्लैक कलर का रंग चल रहा है। कैसा चल रहा है? ब्लैक कलर का रंग चल रहा है। कब? जब मैं लेफ्ट क्लिक कर रहा हूं। अब मैं करूंगा राइट क्लिक, इधर की तरफ जो क्लिक होता है माउस में वो। तो अब जब मैं राइट क्लिक करूंगा तो आप देखो येलो कलर चल रहा है। क्या चल रहा है? राइट क्लिक करने पे जो मेरा गोन रंग है सेकेंडरी कलर है वो दिख रहा है, वो चल रहा है। तो क्वेश्चन में वापस आओ, यहाँ पे इस चीज को समझो कि ये कह रहा है जब आपको गोन रंग चलाना होता है तो माउस का कौन सा क्लिक करना पड़ेगा। राइट माउस क्लिक कर रहे हैं हम, क्या कर रहे हैं हम? राइट माउस क्लिक कर रहे हैं। एक बार और देखो, जब मैंने लेफ्ट क्लिक किया तो ब्लैक चल रहा है, और मैंने यहीं पे राइट क्लिक कर दिया तो येलो चल रहा है ना। ये देखो अगर मैं इसे कलर को चेंज कर दूं, मैं इसे ऐसे ऑरेंज रेड कर दूं, तो अब मैं राइट क्लिक से जो कलर चलाऊंगा वो रेड चलेगा। तो यानी कि जो आपका सेकेंडरी कलर होता है अगर आप उससे ड्रॉ करना चाहते हो पेंट में, तो उसके लिए आपको राइट माउस क्लिक करना पड़ता है, ठीक है, राइट माउस क्लिक करना पड़ता है। अब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ माउस बना लेता हूँ, ये गंदा सा ये बन गया। तो ये वाला जो होता है आपके लेफ्ट हैंड पे, ये आपका होता है लेफ्ट क्लिक, और ये जो आपका राइट हैंड पे होता है वो होता है राइट क्लिक। हम कंफ्यूज रहते हैं इसमें, इसलिए मैंने थोड़ा सा बता दिया। तो जब आप इस वाले क्लिक को करके दबाओगे तो आपका जो है सेकेंडरी रंग चलेगा पेंट में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। उसके बाद ये कह रहा है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर एक उदाहरण है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है इसलिए इसका इसे भी ध्यान से समझेंगे। तो जब मैंने आपको पहले चैप्टर में प्रिंटर्स पढ़ाए थे, जब मैंने क्या किया था आपको पहले चैप्टर में प्रिंटर्स पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बताया था प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं, प्रिंटर आपके दो तरह के होते हैं। पहला होता था आपका इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है, पहला आपका क्या होता था इम्पैक्ट प्रिंटर, और दूसरा क्या होगा आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, ठीक है। राइटिंग अच्छी नहीं आ रही तो कोई बात नहीं, हमें समझने से मतलब है। एक होते थे आपके इम्पैक्ट प्रिंटर और दूसरे होते थे आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो जो आपके इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे, इम्पैक्ट प्रिंटर होते थे वो क्या करते हैं, इम्पैक्ट से आप थोड़ा सा इंग्लिश का मतलब समझो, वो क्या कहना चाहता है कि कोई चीज कहीं पे अगर अपना इम्पैक्ट छोड़ दे तो वो कैसी चीज हो सकती है प्रिंटर की भाषा में। प्रिंटर की भाषा में वो चीज, वो प्रिंटर जो हथौड़े की चोट के सिद्धांत पे काम करते हैं, किस पे? हथौड़े
हथौड़े की चोट के सिद्धांत पे काम करते हैं, वो होते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर। तो इंपैक्ट प्रिंटर्स में क्या होता है कि जैसे ये प्रिंटर है, ठीक है, अब आपको याद है कि एक प्रिंटर होता था जिसमें हम ऐसे ऐसे जो पिक्चर्स में नहीं दिखाते, वकील वगैरह टाइप करते हैं ऐसे हाई कोर्ट में, ठक 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 ठक, तो एक एक अक्षर जो है उसमें से ऐसे निकल के पेपर पे लगता है, एक रिबन पे लगता है, और उधर जो है पेपर पे वो वर्ड या वो अक्षर छप जाता है। तो वो क्या होता है, वो हथौड़े की चोट पे कार्य करने वाले प्रिंटर होते हैं। उसमें क्या होता है कि एक हथौड़ा जो है रिबन पे लगा, रिबन जो है पेज के साथ जुड़ा हुआ था, तो वो अक्षर जो है पेज पे छप गया। तो उस तरह के प्रिंटर होते हैं आपके इंपैक्ट प्रिंटर। अब ये कह रहा है जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर होता है वो किस तरह का प्रिंटर है, वो इंपैक्ट प्रिंटर है या नॉन इंपैक्ट प्रिंटर है। तो मैं आपको बताता हूं अब डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर किस तरीके से कार्य करता है। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, मैट्रिक्स सबसे पहले समझो क्या होता है। एक इस तरह की मैट्रिक्स होती है, ठीक है, यानी कि इसमें हमें एक अक्षर छापना है। ये जैसे मैंने मान लिया ये जो है आपकी 4x4 की, या फिर हाँ ठीक है 4x3 की एक मैट्रिक्स है। इसमें क्या होता है, इस तरह के प्रिंटर में, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में, नाम से आपको लग रहा होगा डॉट, यानी कि इसमें बहुत सारे डॉट 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 करके छोटे 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 हथौड़े होते हैं, वर्टिकल हथौड़े होते हैं। अब वो क्या करते हैं, वो इस कार्बन का जो रिबन होता है उस पर चोट मारते हैं। जैसे मुझे इस पे जो है क्या लिखना है, ये थोड़ा सा मुझे ना पेचीदा सा हो गया, इसको हल्का सा बना लेते हैं। जैसे मुझे जो है इस पे 1 लिखना है, या मुझे इस पे सी लिखना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक 3x3 की मैट्रिक्स ले ली, अब मुझे इस पे जो है सी लिखना है, तो मैं क्या करूंगा, इसमें क्या होता है एक डॉट होता है, और वो डॉट जो है इस पर्टिकुलर खाने पे अपनी जगह पे चोट मार के आ जाएगा, और वो चोट जो है इस पे छप जाएगी। जैसे एक गोल डॉट जो है यहां बन गया, ठीक है, उसके बाद दूसरा जो हथौड़ा होगा छोटा वाला, उसने यहाँ पे डॉट बनाया, तीसरे ने यहाँ पे डॉट बनाया, फिर चौथे ने यहाँ पे डॉट बनाया, पांचवें ने यहाँ पे डॉट बनाया, छठे ने यहाँ पे डॉट बनाया, सातवें ने यहाँ पे डॉट बनाया। तो आप देखो ये क्या बन गया, ये सी बन गया पूरा का पूरा। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर कैसे काम करता है कि उसमें बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हथौड़े होते हैं, और जिस भी अक्षर को मुझे लिखना होता है वो जो है सारे के सारे निकल के कार्बन पे लगते हैं, और वो जो है वहां पे अक्षर छप जाता है। तो किस सिद्धांत पे काम कर रहा है डॉट मैट्रिक्स, हथौड़े की चोट के सिद्धांत पे काम कर रहा है। तो क्या मैं ये नहीं कह सकता तो ये डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है वो एक इम्पैक्ट प्रिंटर है। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। तो जैसे बहुत सारे हथौड़े हैं इसमें, ऐसे बहुत सारे हथौड़े होते हैं, तो इनमें से अगर सी बनाने के लिए जिन जिन हथौड़ों की जरूरत है सिर्फ वो जाके जो है पेपर पे लगेंगे। तो जैसे सी बनाने के लिए एक हथौड़ा यहाँ लग गया, एक हथौड़ा यहाँ लग गया, एक हथौड़ा यहाँ पे, एक हथौड़ा, एक हथौड़ा, एक हथौड़ा, एक हथौड़ा, एक हथौड़ा, एक हथौड़ा, ऐसे। तो ये क्या बन गया आपका, सी बन गया। तो इस तरीके से जो है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंट करता था। मेरे हिसाब से मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो थ्योरी वाली एक वीडियो है इंपैक्ट प्रिंटर के ऊपर पूरी, वो आप देख लेना, ठीक है। तो 10th का आपका सी क्या हो जाए, सी आंसर हो जाएगा आपका कि डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर क्या है, एक इंपैक्ट प्रिंटर का उदाहरण है। इसके बाद आपका आता है रोम का विस्तृत रूप क्या है, रोम की फुल फॉर्म पूछ रहा है। रीड ओनली मेमोरी होती है, याद भी होती है, सभी को पता होती है, बहुत आम फुल फॉर्म है ये। उसके बाद है कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है, कौन कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस है। अभी अभी आपको बताया, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है कि जिस डिवाइस से आप कंप्यूटर के अंदर कुछ भेजोगे वो आपकी इनपुट डिवाइस हो गई, और जिस चीज से आपको रिजल्ट बाहर मिलेगा, आपके हाथ में मिलेगा या आपको देखने को मिलेगा आपकी आंखों से, वो आपकी आउटपुट डिवाइस हो गई। अब एक एक करके यहाँ देख लेते हैं क्या क्या ऑप्शन दिए गए हैं। प्रिंटर, प्रिंटर से हमें रिजल्ट आउटपुट बाहर मिलता है, बिल्कुल मिलता है, पेज बाहर मिल जाता है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माइक इसमें नहीं हो सकता क्योंकि माइक से आप बोलते हो, जैसे यहाँ पे मेरे माइक लगा हुआ है, मैं बोल रहा हूँ, तो इसमें मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा, इसमें आपको सुनाई दे रहा है। इसमें आप मेरे माइक से तो मेरी आवाज चली गई, आपके स्पीकर से बाहर आएगी, तो आपके लिए आउटपुट डिवाइस क्या हो जाएगी, स्पीकर आपकी आउटपुट डिवाइस हो जाएगी। तो माइक जो है क्या होगा, इनपुट डिवाइस होगा, क्योंकि मेरी आवाज कंप्यूटर के अंदर जा रही है। माउस क्या होता है, माउस से भी मैं क्योंकि कंप्यूटर के अंदर कार्य करता हूँ तो कंप्यूटर के अंदर इंस्ट्रक्शन को जाता हूँ। कीबोर्ड में भी मैं इनपुट देता हूँ तो वो भी क्या हो जाएगी, इनपुट डिवाइस हो जाएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 12th का ए, प्रिंटर। उसके बाद 13th क्वेश्चन है आपका, प्लॉटर का इस्तेमाल किया जाता है प्रिंट करने में, प्लॉटर का इस्तेमाल वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने में किया जाता है। इसका आंसर होगा आपका बी, और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं क्या करने वाला हूं अभी आपको, सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूं कि वेक्टर ग्राफिक्स क्या होते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स होते हैं
जो इलस्ट्रेशंस होते हैं ना, कार्टून जैसी कोई चीजें होती हैं, वो आपके होते हैं इलस्ट्रेशन, वेक्टर ग्राफिक्स। जैसे अभी आपको ये स्क्रीन पे दिखाई दे रहे हैं ना, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? वेक्टर ग्राफिक्स हैं। ये क्या है? आपके सारे के सारे वेक्टर ग्राफिक्स हैं। तो आपको दिख रहा है यहाँ पे सारे के सारे आपके वेक्टर ग्राफिक्स हैं। इनको प्रिंट करने के लिए जिस मशीन का हम यूज करते हैं उसे प्लॉटर कहते हैं। अब मैं आपको प्लॉटर भी दिखा देता हूँ कैसा होता है। तो आपका प्लॉटर होता है कुछ ऐसा। ये आपका क्या है? ये आपका प्लॉटर होता है। ये एक तरह का प्रिंटर ही है, बट ये जो है एक सीट को काटने वगैरह के लिए जो है इस्तेमाल किया जाता है। अगर आपने कभी अपनी बाइक के पीछे नंबर लगवाया होगा ना किसी ग्राफिक जोन वाले के यहाँ से, तो वो देखना इस तरह की एक जो है ना, एक इस तरह की सीट डालता है उसके अंदर, और कंप्यूटर से जुड़ा हुआ होता है। कंप्यूटर में हम जो है उस नंबर को टाइप करके इसे बोल देते हैं कि हमें जो है इसे प्रिंट करके दो। तो ये क्या करता है, सीट को, इस सीट की कटिंग कर देता है। तो इस पे क्या इस्तेमाल होता है, इसके अंदर जो है पेन या चाकू जैसी किसी चीज का इस्तेमाल होता है जो इसकी कटिंग कर देती है। फिर वो आपको नंबर मिल जाता है, फिर वो नंबर छुटा के आपकी बाइक के प्लेट के पीछे चिपका देता है। तो प्लॉटर आपकी वो डिवाइस है जो किस लिए इस्तेमाल करते हैं हम, वेक्टर ग्राफिक्स को प्रिंट करने के लिए। उसके बाद 14th क्वेश्चन है आपका, हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा आप क्या करते हो। मैंने आपको बताया था ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मैंने आपको बताया था कि हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेजेस होती हैं। देखो लैंग्वेजेस का तीन पार्ट में डिवीजन होता है। सबसे ऊपर हम होते हैं इसमें, और सबसे नीचे इसमें कंप्यूटर होता है, और सबसे ऊपर आती है हाई लेवल लैंग्वेज, क्योंकि सबसे ऊपर की तरफ है तो हाई लेवल लैंग्वेज, बीच में आ गई तो मीडियम लेवल लैंग्वेज, और सबसे नीचे आ गई तो लो लेवल लैंग्वेज LLL। इनकी फुल फॉर्म भी याद कर लेना, HLL हाई लेवल लैंग्वेज, MLL मीडियम लेवल लैंग्वेज, LLL लो लेवल लैंग्वेज। तो जो लो लेवल लैंग्वेज होती है वो कंप्यूटर के सबसे ज्यादा करीब होती है, तो कंप्यूटर उस भाषा को बहुत ही आसानी से समझ सकता है। और जो हाई लेवल लैंग्वेज होती है वो हमारे सबसे ज्यादा करीब होती है, उस भाषा को हम सबसे आसानी से समझ सकते हैं। तो अब क्या हो रहा है इसमें कि हाई लेवल लैंग्वेज हमने जो है लिख दी कंप्यूटर में। अब क्या होगा, कंप्यूटर को तो वो समझ में नहीं आएगी। तो हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा हम क्या करते हैं, मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट करते हैं, ताकि कंप्यूटर उस चीज को समझ के हमें उस पर प्रोसेसिंग करके रिजल्ट दे सके। तो हाई लेवल लैंग्वेज क्योंकि हमारे करीब थी, बट हमें काम किससे लेना था, कंप्यूटर से। तो हाई लेवल लैंग्वेज के द्वारा हम मशीन लैंग्वेज में अनुवाद करते हैं, हम मशीन लैंग्वेज में ट्रांसलेशन करते हैं। ठीक है, बाकी ये तीनों ऑप्शन ही बकवास हैं, है ना। तो इसलिए मैंने प्रनाउंस नहीं कर रहा हूँ, इसे बोल नहीं रहा हूँ, आप जो है इसे देखो, देख लेना, इसका आंसर ध्यान रखना है। बट 14th में जो है आपका आंसर ए है। उसके बाद है आपका 15th क्वेश्चन, कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए कौन से डिवाइस का इस्तेमाल किया जाता है। अभी आई थिंक 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है इसके बारे में। तो कंप्यूटर सिग्नल को टेलीफोन के तारों के माध्यम से भेजने के लिए जिस डिवाइस का हम इस्तेमाल करते हैं उसे हम कहते हैं मोडम। तो इसका आंसर क्या होगा, आपका सी होगा। इसको ऐसे लिखते हैं MODEM, जहां पे MO का क्या मतलब होता है, मॉड्यूलेटर, और जहां पे DEM का क्या मतलब होता है, डिमोड्यूलेटर। ठीक है, और ये एक ऐसी डिवाइस होती है, अगर आपको याद भी होगा ना, पहले जब इंटरनेट ऐसे मोबाइल और हॉटस्पॉट से नहीं चलाते थे ना हम, तो एक मोडम आती थी ऐसी डोंगल करके जिसे हम कहते थे, ऐसे करके एक डोंगल आती थी। तो ये उसी टाइम की बात है ना, जब हम जो है किस कंप्यूटर के जो सिग्नल्स होते थे पहले, अगर आपने देखो साइबर कैफे में जिन जहां पे इंटरनेट चला करता था वहां पे टेलीफोन भी लगाना मैंडेटरी होता था, है ना। तो वहां पे मॉडम वाला कंसेप्ट था कि आप जो है आपके जो टेलीफोन के तार हैं उन्हीं के माध्यम से आप जो है डिवाइस सिग्नल्स को इधर उधर ट्रांसफर करोगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मॉडम हो जाएगा। उसके बाद है इसमें WLL का पूर्ण रूप क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप। कंप्यूटर की भाषा में WLL की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है वायरलेस लोकल लूप। इसके बारे में मैं आपको बताऊं या ना बताऊं मैं सोच रहा हूँ, चलो थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। वायरलेस लोकल लूप का क्या कंसेप्ट था, पहले जो आपके टेलीफोन हुआ करते थे ना, ये आपका जैसे एक टेलीफोन हो गया, ये आपका दूसरा टेलीफोन हो गया, तो ये सब के सब जो है कॉपर की तारों से जुड़े हुए होते थे, कॉपर की तारों से जुड़े होते थे। तो जब आप यहाँ से बात करते थे तो आपकी बात ट्रेवल करती थी कॉपर के तारों से इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, और दूसरों के यहाँ पे पहुंच जाती थी इसी तरीके से तारों तारों के माध्यम से। उसके बाद जब कॉपर के प्राइस बढ़ने लगे, जब कॉपर के दाम बढ़ने लगे, तो लोगों को लगा अब कॉपर तो जो है फिजिबल ऑप्शन नहीं रहा,
तब जो है इन्होंने एक नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस किया, उसका नाम रखा वायरलेस लोकल लूप। इसमें क्या होता था कि आपका फोन यहाँ से किसी रेडियो लिंक के द्वारा आपकी बात को टावर तक पहुंचा दिया गया, फिर वो एक टावर से दूसरे टावर पे कूदी, फिर वो तीसरे टावर पे कूदी, फिर वो चौथे टावर पे कूदी, और फिर जहां पे लास्ट में आपकी बात पहुंचनी थी उसके फोन तक पहुंच गई। तो इसमें क्या हुआ, वायर को हटा दिया। ये आपकी एक टेक्नोलॉजी थी जो रिसेंटली पास्ट में इंट्रोड्यूस की गई थी। तो इसकी फुल फॉर्म होती है वायरलेस लोकल लूप, यानी कि आपने एक लोकल लूप बना दिया अपनी बात को, अपने सिग्नल्स को इधर उधर भेजने के लिए। इसके बाद आपका 17th क्वेश्चन आता है, ALU का विस्तार क्या होगा। ALU जो है आपको पता है CPU की दो भाग होते थे, एक आपका होता था CU कंट्रोल यूनिट और दूसरा होता था आपका ALU अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। और अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट CPU का वो भाग होता है जहां पे एक्चुअल में जितनी भी कैलकुलेशंस होती हैं वो CU के ALU के अंदर ही होती थी। कंट्रोल यूनिट जो है सारी चीजों को कंट्रोल करने का काम करता था, जितने भी ऑपरेशंस हो रहे हैं वो ALU जो है उस पर कैलकुलेशंस करने का काम करता था। तो ALU का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका आंसर हो गया आपका बी। उसके बाद 18th क्वेश्चन है आपका, एक कंप्यूटर बना होता है इनपुट डिवाइसेस से, आउटपुट उपकरणों से, यानी कि आउटपुट डिवाइसेस से, CPU से। हाँ, तो उस एक कंप्यूटर जैसे आपके पास ये है, इसमें कीबोर्ड माउस जो होते हैं वो आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। कीबोर्ड माउस क्या होते हैं, आपकी कीबोर्ड माउस आपके इनपुट डिवाइसेस होती हैं। ये खुद जो है मॉनिटर है जिस पे आप रिजल्ट देखते हो, प्रिंटर और स्पीकर वो क्या होते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। और इसके अंदर जो काम करने के लिए एक डब्बा होता है उसके अंदर CPU लगा हुआ होता है, वो आपका सारे के सारे एक्चुअल प्रोसेसिंग करता है। तो कंप्यूटर के अंदर ये तीनों चीजें होती हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन सभी से मिलकर एक कंप्यूटर बनता है। उसके बाद 19th क्वेश्चन है, फाइल क्या होती है। तो इससे पहले मैं आपको यहाँ पे इसका टिक करा दूं कि आंसर क्या होगा, मैं आपको अपने डेस्कटॉप पे लेके चलता हूँ, ठीक है। अब डेस्कटॉप पे मैं जो है आपको एक चीज दिखाता हूँ यहाँ पे, जैसे कि आप इसे देखो, जैसे आपके मैंने यहाँ पे एक फाइल रखी है, ये क्या है, यहाँ पे बेसिकली मेरे कंप्यूटर में एक फाइल है। अब मैं इस फाइल को अगर खोलूं, मैंने इस फाइल को खोला, तो इस फाइल में क्या है, इस फाइल में मेरी बहुत सारी सूचना है कि ये प्रोडक्ट है, इन प्रोडक्ट का प्राइस क्या है, इसका नाम क्या है, ये कितने रुपए का है ना। तो ये क्या है, एक फाइल के अंदर मेरी बहुत सारी क्या है, इंफॉर्मेशन है। और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन और ये फाइल कहाँ पे स्टोर है, मेरे हार्ड डिस्क में, मेरे कंप्यूटर के हार्ड डिस्क में ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन स्टोर है। तो अब वापस आ जाते हैं क्वेश्चन पे कि फाइल क्या होती है। फाइल सूचना का वह संग्रह है जिसे एक नाम दिया जाता है। अगर आपने देखा होगा, वापस मैं डेस्कटॉप पे जाऊं तो इसको मैंने नाम भी दे रखा है, कोना प्रोडक्ट की प्राइसिंग लिस्ट, ठीक है। मैंने इसको नाम दे रखा है कि ये प्राइस लिस्ट है कोना के प्रोडक्ट्स की। तो फाइल सूचना का वह संग्रह है जिसे हम एक नाम दे देते हैं और उसे हम सेकेंडरी मेमोरी यानी कि हार्ड डिस्क में, हार्ड डिस्क जैसे डिवाइसेज में स्टोर करते हैं। मेरे कंप्यूटर में फाइल स्टोर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा। उसके बाद 20th क्वेश्चन, इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है ये, है ना, वो है आपका डोस है। डोस क्या है, डोस की फुल फॉर्म क्या होती है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। कम ऑन, क्या कह रहा है ये, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहा है इसके लास्ट में। ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने आपको बताया था जब हमने सेकंड चैप्टर पढ़ा था कि ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सॉफ्टवेयर होता है जिसके बिना कंप्यूटर चलता ही नहीं, यानी कि वो सॉफ्टवेयर है, वो प्रोग्राम है जो कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, कंप्यूटर सिस्टम के लिए बहुत ज्यादा आवश्यक है। और वो सारे के सारे प्रोग्राम जो कंप्यूटर के लिए आवश्यक होते हैं आपके क्या कहलाते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाते हैं, जिनके बिना कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। तो डोस क्या हो जाएगा आपका, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आपका क्या हो जाएगा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपका बी, ठीक है। इस वीडियो को, इस पार्ट को हम यहीं पे खत्म करते हैं। इसके बाद हम 500 MCQs करेंगे ऐसे ही पार्ट वाइज, और ठीक है, अगली बार हम 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं पार्ट टू में। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप एक बार और देखो इस वीडियो को, और सारे क्वेश्चन आपको यही याद होने चाहिए, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। बाकी अगर आपको कहीं भी कोई कंफ्यूजन होता है आप कमेंट कर सकते हो मुझे, ठीक है। और ठीक है, चलिए बाय इस वीडियो के लिए, एंड मिलते हैं अगली वीडियो में।